आज की मेरी रेसिपी डेडिकेटेड है उन पास्ता लवर्स को जिन्हें पास्ता खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो किसी भी टाइम पास्ता खाने के लिए रेडी रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता, जो बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनती है और आप इसको अपने मन पसंद वेजेस डाल के बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या आपको पता है दुनिया भर में 350 तरह के पास्ता मिलते हैं और वो 600 से भी ज्यादा शेप्स में आते हैं। लेकिन जो पास्ता इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है मैक्रोनी, स्पगेटी, फ्यूजिली और पेने पास्ता। आज की जो हमारी रेसिपी है वो हम बनाएंगे पेने पास्ता से। आप कोई भी पास्ता आपकी चॉइस का ले सकते हैं। ये मैंने लिया है होल व्हीट पास्ता। सबसे पहले हम पास्ता को बॉइल कर लेंगे। इसके लिए आप कोई भी डीप वेसल ले ले और उसमें करीब 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दें। पानी थोड़ा ज्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन पानी अगर कम हो गया तो पास्ता आपस में चिपक जाएंगे, तो कोशिश करिए थोड़ा सा ज्यादा पानी डालने की। इसके बाद ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून नमक। नमक ज्यादा डाल दिए तो भी चलेगा, क्योंकि पास्ता को जितना नमक एब्जॉर्ब करना है वो उतनी ही करेगा और पास्ता बिल्कुल भी नमकीन नहीं बनेगा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, इससे आपके पास्ता आपस में चिपकेंगे नहीं। तो पानी में नमक और ऑयल डालना बिल्कुल ना भूलें। पैन का ढक्कन लगा के पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए। पानी अब बॉईल हो चुका है, अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम में बिना ढक्कन लगाए हुए पकाना है। पास्ता को बीच बीच में चलाते रहिए, क्योंकि पास्ता नीचे सेटल होकर आपस में चिपक जाते हैं। करीब 10-15 मिनट तक पास्ता बॉईल करने के बाद ये रेडी हो जाएंगे। इनको करीब हमें 80-90% तक कुक करना है। अगर हम इसको ज्यादा पका लिए तो ये चिपचिपे बनेंगे। ये देखिए हमारे पास्ता पक गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और उनके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब पास्ता को साइड में रख के हम देख लेते हैं बाकी के सब्जियां और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को। आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है बेबी कॉर्न, जिनको कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ ही ब्लांच किए हुए ब्रोकली, थोड़े से बटन मशरूम और एक ग्रीन कैप्सिकम भी लिया है मैंने। आप चाहे तो इसमें और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि उबले हुए कॉर्न, प्याज, रेड और येलो बेल पेपर्स भी। इसके साथ हम यूज करेंगे बॉइल्ड मिल्क, 2 से 3 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा सा बटर और बारीक चॉप गार्लिक और चिली फ्लेक्स। अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो इसको स्किप करके आप इसमें फ्रेशली कुटे हुए काले मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में बटर गरम कर लेंगे और चॉप किए हुए गार्लिक और चिली फ्लेक्स को डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इनको 1 या 2 मिनट तक पकाने के बाद सारे वेजिटेबल्स डाल के इनको 2-3 मिनट और सौते कर लेंगे, सिवाय कैप्सिकम के। कैप्सिकम को हम बाद में डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि सब्जियां जल्दी से कुक हो जाए और अच्छे से नमक अब्सॉर्ब कर ले। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डाल के सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि मैदा का कलर थोड़ा डार्क ना हो जाए। अब इसमें डाल देना है 1 बोल या 2 बड़े कप्स मिल्क और इनको अच्छे से चलाते रहना है। 15 से 20 सेकंड तक चलाने से ये सारे लम्प्स घुल जाएंगे और ये देखिए कितना बढ़िया और क्रीमी टेक्सचर वाली व्हाइट सॉस बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद मिला देना है इसमें उबले हुए पास्ता को। इसी टाइम में डाल देंगे हम कैप्सिकम को भी। इसको हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं ताकि कैप्सिकम की क्रंचीनेस और कलर दोनों बरकरार रहे। इसी स्टेज पे आप फाइनल नमक की चेकिंग कर लीजिए। अगर आपके पास हो तो थोड़ा सा पास्ता सीजनिंग भी आप इसी स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस ना हो और आपको थोड़ा और इसको टेस्टी और चीजी बनाना है तो आप इसमें ग्रेटेड चीज भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे बिना चीज के क्रीमी और यमी व्हाइट सॉस पास्ता बनके रेडी हो गया है। चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगर आप नए मेहमान हैं मेरे चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट है कि जाते हुए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगले हफ्ते एक नए रेसिपी के साथ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।